दोस्तों, दुनिया का एक दस्तूर है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं जो चीज दिखाकर बेची जा रही है वो ठीक वैसी ही हो। और ये बात टीवी कमर्शियल्स पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि बात चाहे खाने पीने की हो या फिर खूबसूरती की, फूड आइटम से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक तमाम ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके कमर्शियल एड्स इस तरह बनाए जाते हैं कि देखकर इंसान को लगने लगे कि भाई साहब, इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जब उसका इस्तेमाल करो तो पता चलता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज की इस वीडियो में हम भी आपको पहाड़ के नीचे छोटी चुईया यानी कमर्शियल एड्स का असली सच दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर मियां आपका दिमाग तो पूरा चकरा जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने पिज्जा के एड्स तो देखे होंगे जो इतने ज्यादा प्रभावशाली बनाए जाते हैं कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। जहां एड्स में जब पिज्जा के स्लाइस उठाते हैं तो चीज के स्ट्रिंग्स इतनी दूर तक खींचे चले जाते हैं कि इतनी दूर तो स्पाइडरमैन के जाले भी नहीं गिरते होंगे जितनी दूर तक ये चीज गिरती है। पर भाई साहब, क्या आप जानते हैं, ये जो आपके मुंह में पानी लाने के लिए चीज दिखाई जाती है ये कुछ और ही चीज है। अरे अरे, कंफ्यूज मत होइए। हमारा मतलब है, इन टीवी एड्स में जो पिज्जा के स्लाइस से निकलती हुई चीज आप देखते हैं वो असल में कुछ और ही है, जहां हल्की सी मेल्टेड चीज के अंदर व्हाइट ग्लू मिला दिया जाता है। जी हाँ, वही जिसको फर्नीचर वगैरह में जोड़ने में काम में लिया जाता है। और फिर इस पेस्ट का पूरा असर टीवी एडवर्टीजमेंट में नजर आता है, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको अगर किसी ने खा लिया तो पक्का वो बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि भाई साहब, इसमें ग्लू के साथ साथ टॉपिंग को भी और ज्यादा उभार कर दिखाने के लिए स्क्रू भी लगाए जाते हैं। इसलिए अब टीवी में अच्छा दिखने वाला पिज्जा मत ऑर्डर करना, बल्कि वो पिज्जा ऑर्डर करना जिसका स्वाद वाकई में अच्छा हो, वरना बाद में अगर पछताना पड़ेगा तो हमसे मत कहना कि हमने बताया नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो अगर किसी को न पसंद हो तो बाद की बात है, क्योंकि हर किसी को बर्गर पसंद होता है, फिर चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हर कोई इसे बड़े चाव से खाता है। लेकिन टीवी एड्स में चीटिंग करने के मामले में ये बर्गर बनाने वाले ब्रांड भी कुछ कम नहीं है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बर्गर एडवर्टाइजमेंट में तो काफी बड़ा नजर आता है, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है उसका साइज कितना नन्ना सा है, जिसके पीछे की वजह ये है कि टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जाने वाले बर्गर किचन में नहीं बल्कि स्टूडियो में बनाए जाते हैं और उन्हें टूथपिक के सहारे खड़ा करके दिखाया जाता है। और ऐसा सिर्फ बर्गर ही नहीं बल्कि इनके साथ मिलने वाले फ्राइज के साथ भी होता है। जिस तरह फिल्म और टीवी शोज वगैरह में मॉडल्स को बढ़िया दिखाने के लिए ड्रेसर्स और स्टाइलिस्ट होते हैं, ठीक उसी तरह फूड आइटम को भी बढ़िया दिखाने के लिए स्टाइलिश और ड्रेसर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब, इससे बेहतर चीज तो हम खा ही नहीं सकते। लेकिन जब इसकी सच्चाई पता चलती है तो किसी के मुंह में पानी आए ना आए, लेकिन उल्टी जरूर आने लग जाएगी। जहां बर्गर के कमर्शियल्स में नजर आने वाला मीट पैटी को ग्रिल भी नहीं किया जाता, उल्टा उसके ऊपर जूते साफ करने वाला पॉलिश लगाकर उसको ऐसा कलर दे देते हैं कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज कोई है ही नहीं। ऊपर से बर्गर को जूसी दिखाने के लिए आगे वाले हिस्से में सिरिंज से केचप और बाकी चीजों का छिड़काव कर दिया जाता है। वैसे जब पिज्जा और बर्गर की बात हो ही गई है तो उसका शानदार कॉम्बिनेशन यानी कोल्ड ड्रिंक को हम भला कैसे भूल सकते हैं, जहां प्याज बुझाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां अपनी पैसे की भूख को मिटाने के लिए टीवी एडवर्टीजमेंट में किस किस तरह के कारनामे करती है, ये आप भी जरा देख लीजिए। दोस्तों, कोला ड्रिंक के कमर्शियल में अक्सर आइस क्यूब से भरे गिलास में सॉफ्ट ड्रिंक डाली जाती है और ये नजारा दिखने में ऐसा कमाल का लगता है कि अगर किसी बंदे को प्यास ना भी लगी हो तो वो भी प्यास से तड़पने लग जाए। लेकिन भावनाओं को जरा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाने वाली ये कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं होती है बल्कि यहाँ पर प्लास्टिक के आइस क्यूब डाले जाते हैं, वरना अगर असली आइस क्यूब का इस्तेमाल किया गया तो जितनी देर में ये लोग शूट करेंगे उतनी देर में तो बर्फ पिघल कर पानी में बदल जाएगी। पर मेरे दोस्तों, केवल प्लास्टिक आइस क्यूब से ही नहीं, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में झाग दिखाने के लिए टीवी में इन ड्रिंक्स के अंदर टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप भी डाला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा झाग दिखाई दे और सॉफ्ट ड्रिंक अट्रैक्टिव लगे। और ये तो आपको मालूम होगा कि कोला ड्रिंक का ढक्कन खुलते ही उसकी तमाम गैस बबल्स बाहर निकल जाती है। अगर आपको भी ऐसा कोई कारनामा करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सॉफ्ट ड्रिंक में एंटीसेट की गोलियां डाल दीजिए, उसके बाद झाग का फवारा ना निकले तो कहिएगा। और ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये लोग कोला ड्रिंक के एड को बनाने के लिए रोबोट्स तक का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो इनका बजट करोड़ों का होता है।
वैसे दोस्तों, जब कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है तो आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? कोका कोला, स्प्राइट या फिर कोई और? चाहे मर्द हो या औरत, हर किसी को सुंदर लहराते हुए बाल पसंद है। ऐसे में लोगों के बालों को बाल बाल बचाने के लिए यानी कि सुरक्षित रखने के लिए सैकड़ों शैम्पू और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, जिनके कमर्शियल एड्स देखकर तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा खरीदे और कौन सा छोड़े। जहाँ कोई प्रोडक्ट आपके बालों को लंबे करने का दावा करता है तो कोई मजबूत, तो कहीं कोई प्रोडक्ट आपके बालों को इतना शाइनी बनाने का वादा कर देता है मानो बालों की चमक के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। लेकिन हम आपके दिमाग की बत्ती जरूर जलाएंगे, आपको ये बताएंगे किस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स केवल दिमाग का इस्तेमाल करके हम आम लोगों को बेवकूफ बनाने में तुले रहते हैं। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह लहराते हुए बालों को दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल हरे रंग के टाइट कपड़े पहने हुए असिस्टेंट इस मॉडल के बालों को लहराता हुआ दिखाने के लिए साइड से इसके बालों को खींचकर ऊपर की तरफ उठाते हैं और बाद में वीडियो एडिटिंग की मदद से इन लोगों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है इन मोहतरमा के बाल वाकई में इतने सिल्की हो गए हैं कि उड़ने लगे, पर असली बात तो आपके सामने है। और कारस्तानी केवल बालों को उड़ता हुआ दिखाने में नहीं होती बल्कि इन्हें लंबा दिखाने में भी होती है, जहां इन मॉडल्स के बालों में नकली एक्सटेंशन लगाकर इनके बालों को पहाड़ जितना लंबा दिखाया जाता है, जबकि असल में इनके बाल कितने छोटे होते हैं वो तो हम और आप बड़े अच्छे से जानते हैं। हालांकि कंपनीज तो कहती है कि इस तरह की चीजें वो लोगों को समझाने के लिए करते हैं, पर असली गेम तो केवल पैसे का है। हम लोग इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रभावित हो जाते हैं और धड़ाधड़ इस तरह के प्रोडक्ट खरीदकर कंपनियों की जेब भरने में लगे रहते हैं। और दोस्तों, हम सभी की मनपसंद आइसक्रीम, जिसे खाने के बाद गर्मी में एक अलग ही तरह की ताजगी आ जाती है, उसे बेचने में भी ये लोग ढोंगीपने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचने की कोशिश की है कि टीवी एडवर्टाइजमेंट में मॉडल्स के हाथों में जो आइसक्रीम होती है वो भला पिघलती क्यों नहीं है? असल में दोस्तों, वो आइसक्रीम पिघलेगी तो तब ना जब वो आइसक्रीम होगी। वहाँ पर आइसक्रीम की जगह हमें और आपको बेवकूफ बनाने के लिए मैश पोटैटोज में फूड कलर डालकर शेविंग क्रीम मिलाकर इसे तैयार किया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसी लगती है, लेकिन अगर गलती से भी किसी ने इसे खा लिया तो उसके ऊपर का टिकट पक्का कट जाएगा। दोस्तों, अब हर चीज की बात तो हो गई, लेकिन खाने के अंत में खाए जाने वाले डेजर्ट्स को कैसे छोड़ दें? केक्स के एड में जहां उनके बड़े साइज का दिखाने के लिए केक की लेयर की जगह कार्डबोर्ड रखा जाता है ताकि ये केक ज्यादा फ्लफी और बड़े दिखाई दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेयर्स में नजर आने वाली जो क्रीम होती है वो क्रीम नहीं बल्कि शेविंग क्रीम होती है, जिसका झाग इतना ज्यादा सफेद और चमकदार लगता है कि लोगों को लगने लगता है ये असली की क्रीम है। और जो टेस्टी टेस्टी पैनकेक्स के एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, उनके ऊपर सिरप नहीं डाला जाता बल्कि उनके ऊपर इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही तेल जिन्हें गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनियों द्वारा ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टेबल रहती हैं और शूटिंग के दौरान इन्हें बार बार चीजें खराब होने का डर नहीं लगता। अब दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपको इन टीवी कमर्शियल्स को लेकर बुरा जरूर महसूस हो रहा हो, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया, जो दिखता है वही बिकता है, और ये लोग इतनी मेहनत करके इस तरह के एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, तभी तो हम आम जनता बेवकूफ बनकर इन्हें खरीदने के लिए भागे दौड़े चले जाते हैं। दोस्तों, सही कहा ना हमने? बाकी आपका इन टीवी एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या कहना है, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।